और चलिए आपको सीधे हम खेलगांव की तस्वीर दिखाते हैं जब जवानों को यहां पर लाया गया था। सके क्योंकि पहले ही अलर्ट किया गया था। अलर्ट करने के बाद जो व्यवस्था थी वो आपको साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर चाईबासा जिले में नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन नक्सल ऑपरेशन के दौरान ही जो जवान है वो घायल हो रहे हैं, और ऐसे में घायल जवानों को पहले भी यहाँ पे लाया गया था कई बार बेहतर इलाज के लिए, जो है ग्रीन कॉरिडोर बना करके सभी घायल जवानों को शिफ्ट की गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर जब नक्सल ऑपरेशन चलाया गया तो इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई जवान घायल हुए हैं, और सब घायल जवानों को आज मेडिका के लिए रवाना किया गया है ताकि बेहतर इलाज किया जा सके। सहयोगी गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। कि जब घायल जवानों को लाया गया और उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मिरालगढ़ा जगह है जहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सुरक्षा बल के जवान, और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें तीन जवान घायल हो गए। तीनों की स्थिति ऐसी थी, गंभीर स्थिति को देखते हुए फिर उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और एयरलिफ्ट कर देखे वो रांची लाया गया। और उस वक्त की यह तस्वीर है जब उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और तीनों को मेडिका में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया और उसके बाद इन्हें लाया गया यहां पर। अब मेडिका में भर्ती है और उनका ट्रीटमेंट यहां पर चल रहा है। बता दें आपको कि चाईबासा में पिछले कुछ महीनों से लगातार सुरक्षा बल वहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं, कई इलाकों को वहां पर नक्सल मुक्त कराया गया है, कई कैंप पुलिस के वहां पर अब बनाए गए हैं, लेकिन कुछ इलाके अभी भी हैं जहां पर सघन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी दौरान देखिए आज भी ये पार्टी सर्च ऑपरेशन पर थी और इसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया जिसमें तीन जवान घायल हो गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।